हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक और इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर एक खासियत है कि इसकी कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि कौन सा एरिया किस में ऐड किया जाए, किस में सबट्रैक्ट किया जाए, जिससे कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल कर आ जाए या शेडेड रीजन निकल कर आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी सी डी कोई स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या बताना है, शेडेड रीजन बताना है। तो शेडेड रीजन यही तो दिख रहा है। अब देखिए जो शेडेड रीजन है उसका कोई डिज़ाइन जो है ज्योमेट्रिकली डिफाइन नहीं है, मतलब स्क्वायर है या फिर आपका सेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है ये, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैं आपको इसको निकालने के कई तरीके बताऊंगा, आप उस पर ज़रा फोकस करिए और आपको जो अच्छा लगे आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो क्वाड्रेंट है इसकी रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और इसकी भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। अरे बात समझ में। तो इसका मतलब ये दोनों सिमेट्रिकल फिगर हैं। कैसे फिगर हैं, सिमेट्रिकल। कहने का मतलब अगर मैं इस एक का एरिया निकाल कर डबल कर दूं तो दोनों का एरिया जो है पूरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा यहाँ से। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको मैं निकालूँ कैसे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने को ये पूरा एरिया निकालना होगा। अब ये एरिया भी कोई ज्योमेट्रिकली डिफाइन नहीं है, ये तो एक डोम शेप में दिख रहा है ना, अजीब सा दिख रहा है ये, तो कोई ज्योमेट्रिकली कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, क्लियर। अब परपेंडिकुलर हमने हवा में ड्रॉन कर तो दिया, इसको नाम दे दो PM, क्लियर। अब ये लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी या नहीं करेगी ये अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ से ये जो रेडियस है, जब रेडियस को मैं ऐसे करके घुमाऊँगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 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 अरे बात समझ में, ये सभी क्या होंगे, 6 सेंटीमीटर तो होंगे। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, मैं इसको निकालने के कई मेथड बताऊंगा आपको, जो अच्छा लगे आपको उससे निकाल लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये पूरा रेडियस ही तो होगा, तो ये साइड कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं सेम इसके लिए बात करूँ तो इसके लिए भी कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा, है ना। तो इससे ये पता चला कि ये 6 है ये 6 है ये 6 है, तो ये कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, इसी चक्कर में हमने इसका नाम रख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, PAB, क्लियर। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल को अगर मैं थीटा ले लूं तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब देखिए वापस चलते हैं, हमारा मेन काम क्या था कि अगर मैं इसका पूरा एरिया निकाल दूं ये, क्लियर, तो इस बड़े वाले क्वाड्रेंट में से अगर ये वाला एरिया पूरा माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, और इसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखो ये एरिया कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर अगर आप इसकी बात करें, ये वाला एरिया कौन सा वाला, PMAP, ये एरिया अगर आप निकाल लें कैसे भी, क्लियर, फोकस करिए इधर, ठीक है, यहीं पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए कौन सा एरिया, PMPMA, अगर मैं ये निकाल लूँ और इसका डबल कर दूँ तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब PMA एरिया कैसे आएगा, PMA एरिया कैसे आएगा, इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ से इसका एरिया आ जाएगा और इसका डबल कर देंगे तो पूरा ब्लैंक एरिया आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना। चलिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए AB, AP और BP इज इक्वल टू क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर। ये क्या होंगी, सभी 6 सेंटीमीटर होंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री, 60 डिग्री, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। अब क्या लिखेंगे कि हमने एक ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर PM किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो ऑब्वियसली क्या होगा,
ए एम और बी एम आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो उसका बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 3-3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन होता है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब देखें, हमें ये एरिया निकालना है ना, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पहले। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, बी डैश, बी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, बी डैश पी ए, बी डैश पी ए। बताए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू थीटा हो गया आपका 60, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू 3.14 है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है, 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। तो देखो 0 से 0 उड़ गया और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 4 24, 6 1 6 और 2 8 और 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये सेक्टर का एरिया आ गया, ये वाले सेक्टर का एरिया। क्लियर? अब इसमें से ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस, तो पहले ट्राइंगल का एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला, ट्राइंगल बी पी एम, बी पी एम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पी एम, ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू बी एम कितना है, 3। अब हाइट की बात निकालेंगे, तो देखिए हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, तो टेन 60 लगा दीजिए, तो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी एम अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू रूट 3 होती है, तो पी एम अपॉन 3, तो पी एम किसके बराबर हो जाएगा, 3 रूट 3, ये किसकी वैल्यू होगी, पी एम की, आप साइड में निकाल देंगे, तो ये हो गया 3 रूट 3। अब देखिए ये हो गया 1/2, 3 3 9, रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये हो गया 9 इंटू, इसको कैंसिल मार दो, तो 0.8, 8 2 16 एक बजेगा, और 6 2 12 और 6 12 हो गया, 2 6 12, 2 6 12, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और 5 59 और नोट 72 और 77, तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से ये एरिया आ गया, तो देखिए इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया किसका, पी एम ए पी, पी एम ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, ये वाले एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से, है ना, ये वाला एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 7.794 ये माइनस कर दीजिए, 0 लगा दीजिए, ये हो गया 6 और 4 और 0 और यहाँ से हो गया 11, तो ये हो गया 11 पॉइंट, है ना, 11.046 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए मेरे पास ये एरिया आ गया, अब इसका आप डबल कर दीजिए, सो देयरफॉर एरिया ऑफ कौन सा, पी बी ए, पी बी ए पी, पी ए पी बी ए पी, ये एरिया इज इक्वल टू डबल ऑफ 11.046, तो ये कितना आ गया, 6 2 12, 4 2 8 और 1 9 और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा, फिर उसका डबल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सेक्टर बोलो या क्या बोलो, क्वाड्रेंट, है ना, कौन सा, ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर, है ना, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 4 9 जा, तो ये आपका आ गया 9 4 36, 9 1 9 3 12, 9 3 27, और 1 28, ये एरिया आ गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और
अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके ऐसे, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा वाला, ए पी डी ए इज इक्वल टू पूरे एरिया में से 28.26 में से, है ना, ये वाला एरिया बीच वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 22.092 जीरो लगा लीजिए तो कितना बचेगा, 8, और 15 में से 9 हो गए तो 6 और 1.6, है ना, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे 6, तो 6.128। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड जो हमको चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इस एरिया का, तो कितना 6.168, तो ये हो गया 8 2 16 और 6 2 12 और 113, 2 1 2 और 3 और 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितने सिंपल वे में इसको मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई है, क्लियर। अगर आप इसमें और भी कोई मेथड देखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हारे दिमाग में ना फंसे तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको एंगल थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को बीच में तभी कट करेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, जब तक कि ये क्या ना हो जाए, इक्विलेटर ट्रायंगल। तो यही मेथड बेस्ट है आपके लिए, ज़रूरत नहीं किसी और मेथड की आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, और आप अच्छे से पढ़ें, और मेरे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल डाल रखे हैं, प्रैक्टिस करिए, चाहे वो सर्कल का चैप्टर हो, चाहे ट्रायंगल का हो, एनी चैप्टर, मैंने सारे चैप्टर डाल रखे हैं, आप वहाँ से गारंटी लेता हूँ मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में वहीं से मिलने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने, 10-10 15-15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहाँ से। थैंक यू।